नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर रीवा से है, जहां आप पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए आप नेता ने कहा कि करहिया मंडी में किसान खाद बीज के लिए परेशान हो रहे हैं। 24 घंटे लाइन में लगने के बाद जब उनका नंबर आता है तो खाद बीज खत्म हो जाने की बात कहकर उन्हें वापस कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, मंडी में ना तो ठहरने और पानी की व्यवस्था है। श्री शर्मा ने किसानों की समस्याओं का प्रशासन से शीघ्र निराकरण करने की बात कही है। आइए सुनाते हैं आप नेता ने क्या मांग की है। 500 लोग आए, भीड़े आधे लौट जाए, क्या कुछ दिन निराश हो जाओगे, कितने दिन आ पाओगे? पिछले साल भी ऐसी था, जब वहाँ पर जाम हुआ, हम लोग जब सड़क जाम किए तब फिर गाँव गाँव पहुँचा, हाँ हर गाँव में फिर मिलने लगा। कब से आए ये जो दिखा रहे हैं पर्चा, कब का है? देखिए 20 अक्टूबर 2022 का आपका दिखाई, ये देखिए, ये जो है ये, और कल आया था 128। ये बोलते हैं कि 200 लोगों को बांटते हैं आप, तो 128 नंबर कहीं चले गए थे आप क्या? कहीं नहीं गए। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो इस प्रकार के लोग नहीं बांटे? 127 तक बटा है, 127 के बाद ये टोकन बांटने का मतलब क्या है? जितना बांटेंगे तो देना है ना कि नहीं देना है? कहाँ से आए हैं? धरी से आए हैं। तो ये जो है ये मामला है, बांटते 200 हैं और 70-80 लोगों को नहीं मिल पाता। पहले तो यहाँ पर आए हुए तमाम सभी पत्रकार बंधुओं का जो है, मैं जो है आम आदमी पार्टी हमारी इकाई जो है स्वागत करती है। आज जो प्रेस वार्ता हमने रखी है वो यहाँ पर किसान का पिछले जो है 15-20 वर्षों से जिस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है उसका एक नया नमूना के मामले को लेकर हम जो है इस पे जो है यहाँ पर प्रेस वार्ता रखे हैं। और ये बात बताने के लिए हम आए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है 8 विधायक, 1 सांसद, यहाँ का पूरा प्रशासन मिलकर भी किस प्रकार से किसानों की जो है व्यवस्था, एक सामान्य सी व्यवस्था नहीं बना पा रही, उसको लेकर हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। यहाँ पर जो है मेरे साथ में मेरी पूरी टीम है और शुभ्रांशु जी हैं, किसान मोर्चा के जो है जिला अध्यक्ष हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी जो है इकाई आज प्रेस वार्ता करके ये कहना चाह रही है कि यहाँ पर जो है जिला अध्यक्ष जो हमारे मिस्टर पुष्प हैं, कलेक्टर महोदय जो हैं, वो कलेक्टर महोदय से अब हम ये अपने प्रेस के माध्यम से उनसे ये जानकारी चाहते हैं कि पूरे रीवा जिले में सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपका नगद में बिक्री केंद्र जो है करहिया मंडी ही क्यों है? करहिया मंडी में आज जो है सवेरे मेरे घर पे जो है मेरे को सवेरे 4 बजे कॉल आया, 4 बजे से लगातार लोगों को कॉल आ रहा है, रात को 9 बजे से लोग आते हैं और सवेरे जो है सवेरे 10:30-11 बजे खुलता है, तब तक लोग इंतजार करते हैं। और 2000 लोगों की बड़ी, मैं सुबह जब पहुंचा 8 बजे तब भी वहां पर करीब 800 लोग इकट्ठा हो गए थे। बाद में स्थिति ये बनी कि जिस प्रकार की व्यवस्था, इनके पास एक मशीन है, एक मशीन में 2000 लोग का टोकन काटने की बात करते हैं, अगर एक आदमी में समय भी लगा है, क्योंकि इनका जो है 10 से 5, इसका मतलब 8 घंटे में अगर समय बांटे तो एक आदमी को बोरी लेने का सब समय है, ये 200 लोग भी नहीं पूरी कर, जो पहले परसों जब शुरू हुआ है तब सिर्फ और सिर्फ जो है इन्होंने जो है 116 लोगों को खाली इन्होंने खाद दिया था, वो भी इतनी अव्यवस्था की मारपीट हुई वहां पर, पुलिस व्यवस्था भी कंट्रोल नहीं कर पाई। तो हम ये जानना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी इसके लिए प्रशासन से मांग कर रही है, बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं कि इस मामले में कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक पिछले 15 वर्षों से इस प्रकार शोषण हो रहा है, और इस पे जो है हम अपने इस माध्यम से जो है ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है जिले में जो है इस किसान के मामले को लेकर, और यही खाद, ये खाद जब उनको नहीं मिलती तो यही खाद जो है पूरे बाजार के अंदर में कालाबाजारी कैसे हो रही है, क्या आपको ये पता नहीं था? प्रशासन को पहले भी हम लोग की मीटिंग हुई थी, उसमें रखा गया था कि इस बार जो है इस प्रकार की कोई गतिविधियां ना आए, इस प्रकार कोई बात ना रखें, फिर भी आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो है, जो कि
28-30 लाख के पॉपुलेशन है, तो इसमें मान के चलिए कि 28-30 लाख में फिर भी गिरी हालत में तब भी 18-19 लाख लोग जो हैं यहाँ पर किसान के आते हैं। तो आपको जब व्यवस्था आपको पता है, आपका ग्राम सेवक लगे हुए हैं, सब जगह मालूम है इतना रकबा बोया जाएगा, इतना डीएपी यूरिया की जरूरत पड़ेगी, तो आपने ये भी तो एक मशीन पे क्यों रखा? आपने पूरे विधानसभा के लोग आ रहे हैं तो वहां पर आपने 8 काउंटर क्यों नहीं किए? 8 काउंटर नहीं किए तो जानबूझ के आप मारपीट की वहां पर ये घटना घटा रहे हैं। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी जो है अपनी तरफ से प्रशासन से ये मांग कर रही है, ये बताने के लिए आए हम लोग कि हम लोग जो है इस मामले को लेकर बहुत ही विचार विमर्श किए और ये मामला हम लोग देखे, जिस प्रकार मैं स्वयं आज मौजूद था, मैंने लाइव किया और उसको टैग भी किया सब लोगों को, उस लाइव के माध्यम से मैंने बताया किस प्रकार से लोग जो है महिलाएं वहां पर, एक महिला जो है लेटी हुई थी और वहां पर किस प्रकार से महिलाओं की संख्या 500 की संख्या अगर जेंट्स की थी तो महिलाएं भी 500 की संख्या में उपलब्ध थी। वहां पर मंडी को जो है पैसा मिलता है इस बात के लिए कि वहां पर ऊपर में अगर लोग अगर धूप में खड़े हो रहे हैं उनके टेंट लगाएं, पानी की व्यवस्था हो, कुछ ऐसी व्यवस्था हो, मेडिसिन की व्यवस्था हो, कोई आदमी बीमार हो जाए, क्योंकि वहां पर जब पूरे जिले के लोग जहां पहुंचेंगे अपने आप वहां पर व्यवस्था फैलती है। इसी बात के लिए हम लोग जो यहां पर आज प्रेस वार्ता कर रहे थे और इसके माध्यम से हम जो है समस्त जितने जनप्रतिनिधि हैं इनको भी ये कहेंगे कि आज जो किसान जो है आप हर किसी जनप्रतिनिधि की तरफ हर पार्टी की तरफ जो है एक आशा की निगाह से देख रहा है। जिससे मेरी मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि कोई आदमी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं भैया, आप लोग पहुंचे और आप मेरी आवाज उठाएंगे। इसी बात के लिए हम लोग यहाँ पर आज ये है प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बिल्कुल सवेरे मैंने जो है डीएम साहब को फोन किया, उनको बताया, एसडीएम को मैंने खुद बुलाया, थाना प्रभारी को व्यवस्था के लिए बुलाया। यहाँ पर पहले जो है जो इसका देखती थी, पहले यहाँ पर नेहा तिवारी जी थे, अभी जो है वो आपका शिक्षा पटेल करके यहाँ पर हैं जो ये पूरा देख रही हैं, जो ये पूरा देखती हैं उनको जो है वो देख रही हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि अगर व्यवस्था पूरे जिले कर रहे हैं तो हमारे लोग की मांग, इसमें मांग पर हम लोग लिखा भी है कि आप जो है जगह जगह पे जो है समस्या करने के लिए आप जो है हर जगह समितियों में खाद भिजवाएं, इसके साथ में समितियों के अंदर में कैश पे जब यहाँ बिक्री हो रहा है तो वहां पर क्यों बिक्री नहीं हो पा रहा, वो करने की व्यवस्था कराएं। किसान वहां से इतनी दूर जब आएगा तो खेती को कब करेगा, ये व्यवस्था आपके पास क्यों नहीं, जबकि आपके पास पटवारी ग्राम सेवक राजस्व का पूरा हमला है, उसके बावजूद भी ये क्यों नहीं हो पा रहा? किसान बेसिकली पूरे सिमरिया विधानसभा से थे, मनगवा के लोग थे, गोविंदगढ़ के लोग थे, रीवा विधानसभा के तो थे ही, और इसके बाद जो है आपका कुछ लोग तो आपको कुछ लोग ऐसे भी मिले जो त्योंथर से थे, तो ऐसे करके ज्यादातर लोग चार पांच आस पास के विधानसभा के लोग हैं, और जो बाकी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लोग ये बता रहे हैं जहां मैं बात हो रही बाकी जगह में, हमारे विधानसभा प्रभारी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है हर जगह में हम लोग को जो खाद है, खाद में इन्होंने क्या किया है कि पूरा जिले का जो मैक्सिमम किसान है उनका जो है केसीसी बना हुआ है, वो केसीसी में जो पूरा भरा रहता है, या फिर लोग इसमें अगर चक्कर में डिफाल्टर हो गए हैं तो इनको जो है जो किसान जिनके पास नहीं बने हैं ये कई नियम लगाए गए हैं, ऋण पुस्तिका अगर 2009 के बाद है अपडेट नहीं हो रही है, अपडेट करना काम इनका राजस्व पटवारी काम है, उसको तनख्वाह मिलते घर घर पहुंचाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, उसके अब लगाए अगर 30 मिनट में आप खाद नहीं निकाल पाएंगे तो आपको खाद नहीं मिल पाएगी, ये कहना इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को 30 मिनट जो है खाद निकालने की व्यवस्था बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जानबूझ कर जिस प्रकार मैं आज सुबह गया हूँ देखा हूँ, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पूरी अव्यवस्था फैली हुई है और इस बात को लेकर हमको दुखी है हम लोग इस बात से, इसी बात के लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये 138 जो है ये दो लोग का आपस में पैसे का लेन देन का मामला होता है, इस पे जो है क्योंकि वो जो मामला है वो मेरा पर्सनल मामला है, उस पे हम जो है जो हमारे पास वो पिछला 10 साल से वो चल रहा था, 10 साल में चल रहा था, उसको हमने किया, हम अपील पे चले गए ऊपर और उसके बाद जो है सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है पर्सनली हमारे साथ में जो हम जैसे लोग वहां पर होता क्या है कि लोग जो है एक हम स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया इस विषय में, हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, जिस जजमेंट के बारे में लोग सुनकर करते हैं, इसलिए जो है अभी हमने जो है यहाँ से अभी हम सेशन कोर्ट गए हैं, इसके बारे में ये क्या मामला ये सब आप लोग इसके बारे में जानते हैं, 138 पे जो है मामले पे हमको ये जो आपने बोला है तो इसके लिए हम जो है अपील कोर्ट में, पुराना मामला है ये, 2016 हुआ है, चेक बाउंस का है, हाँ हाँ बता दें आपने अपने मित्र धर्मेंद्र से लिया था? नहीं मैंने बता दिया आपको, हाँ बताया मैंने आपको, लिया नहीं था ये, आप जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ, कल मेरी रात को आपसे बात हुई थी,
आपने अपने न्यूज़पेपर में छापा? आपने तो कहा था खबर नहीं। नहीं, मैं आपको क्यों बोला खबर नहीं, क्योंकि मैं आज सुबह आपको यही प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहा था, तो मैं आपको बताता ये बात मैं हुई नहीं, आपको बुलाया मैंने, आपको इसीलिए बुलाया, तो क्योंकि आपने रात में एक बात चला दी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। 138 का मामला अभी यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। वो तो हर अपराध के मामले सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। अब इसके बारे में आप जो है वकील हैं, वकील हैं, बताएंगे इसके। अब आपके चेक बाउंस के मामले बता रहे हैं, चेक बाउंस के मामले आपको सजा पड़ेगी न्यायालय ने सजा सुनाई। किसमें? चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने आपको सजा सुनाई। जी हमने समझौता नहीं किया, समझौता कर लेते बाकी लोग। समझौता किस मुद्दे का? समझौता पैसे देने थे उनको, वो बोल रहे थे पैसे देने के लिए। पैसे लिए थे तो आपने? नहीं नहीं, पैसा हम नहीं लिए थे, पैसा हम नहीं लिए थे। आपने पैसा नहीं लिया? पैसा हमने उनसे नहीं लिया था, पैसा हमारे चेक पे फर्जी तरीके से मेरे खाली वो जो चेक थे वो मेरा उनका मित्रता वर सब संबंध था, मैं तो उस समय कैस्ट्रॉल मैनेजर था उनके। जैसा आपने अभी पूछा प्रमोद जी से और उन्होंने बताया कि चेक का मुकदमा उनके खिलाफ चला था और आपसी दोस्त ने उनके विरुद्ध चेक का मुकदमा चलाया था, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ चेक का मुकदमा जो है आपसी पैसे के लेन देन का होता है, उसमें ना तो कोई किसी के साथ मारपीट करता है, ना कोई करप्शन का चार्ज होता है, और ना ही कोई ऐसे एलिगेशन होते हैं जो सोसाइटी को वो करते हों, डिफेंड करते हों। किसी भी तरह का ऐसा अपराध नहीं होता चेक बाउंस का मुकदमा जिससे सोसाइटी में डिफेम होता हो, पार्टी की फॉर्म डिफेम होती हो, इस तरह का कोई मुकदमा नहीं होता। एक तरह का इसमें एक सिविल नेचर का मुकदमा होता है और इसमें जो है दो लोगों के बीच में पैसे का लेन देन होता है और वही डिस्प्यूट होता है। और चेक बाउंस का मुकदमा में आप ये मानेंगे कि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जो प्रिजम्पशन होता है वो एक्यूज के ऊपर होता है, बर्डन जो है एक्यूज के ऊपर होता है धारा 139 के अंतर्गत, कि उसको प्रूव करना होता है कि हमने चेक उसको दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। कंप्लेनेंट को प्रूव नहीं करना होता, कंप्लेनेंट चाहे चोरी से भी पा जाए चेक, चाहे वो धोखे से भी पा जाए चेक, उसको अगर उसने उपयोग कर लिया है तो वो सिर्फ उसको ये सिद्ध करना होता है कि हम इस चेक को भुगतान के लिए पेश किए हैं बैंक में और ये बिना भुगतान के वापस आ गया, ठीक है। तो आपने कहा कि आपका दस्तखत किया हुआ था, बाकी इबारत नहीं भरी हुई थी, तो बाकी इबारत मान लीजिए अगर उसमें नहीं भरी हुई थी और आप उसमें 13,000 ही एडमिट कर रहे हैं और कोर्ट के सामने भी आपका कहना है कि आपने 13,000 ही एडमिट किया है, तो बाकी इबारत अगर उसमें भरी हुई थी 13,000 से ज़्यादा रकम, तो फिर वो फोर्ज डॉक्यूमेंट अगर तैयार किया है तो फिर वो कंप्लेंट ने तैयार किया है, जिसने वो कंप्लेंट लगाई थी, परिवाद लगाया था, वो 1.5 लाख का लगाया, कितनी रकम का लगाया वो प्रमोद जी बता चुके हैं आपको, लेकिन जो बेसिक नीड्स थी रुपयों की कर्ज था वो 13,000 ही रुपया था जैसा आपने बताया। तो 13,000 रुपये तो आप देने को तैयार थे, 13,000 की जगह वो 1.5 लाख मांग रहा था, 1.5 लाख देने को तैयार थे, ढाई, हाँ 1.5 लाख देने को तैयार था, ढाई, फिर उसके बाद वो ढाई मांगने को तैयार हो गया कि ढाई मांगेंगे, एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा था वो, उसकी वास्तविक रूप से वो कर्ज नहीं था उसका, कि आपने उसका कर्ज लिया हुआ था, तो अगर कर्ज होता वो 1.5 मांगता, 1.5 के बाद ढाई क्यों मांगता, जो वास्तविक कर्ज था वो मांगता। तो इसलिए चेक बाउंस के मुकदमा चूंकि एक्यूज के अगेंस्ट में लगभग 80% जो कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविजन है, एक्ट में प्रोविजन है, उसके अनुसार एक्यूज को ही साबित करना पड़ता है, इस वजह से हम वहाँ पर जेनेप्सी कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट अंतिम कोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो फैसला कर दिया वो अंतिम फैसला है, उसके उनके फैसले के खिलाफ हम अपीलेट कोर्ट में गए हैं और कहीं भी जा सकते हैं और हर मामले में जा सकते हैं, लेकिन आप हर मामले की बात और इस मामले की बात इसलिए भिन्न है क्योंकि चेक बाउंस का मामला और किसी के साथ चोरी करना, लूट करना, राहजनी करना, डकैती करना, बलात्कार करना, छिड़खानी करना, हत्या करना और करप्शन करना, इस तरह के अपराध जो हैं सामाजिक जो हैं अपराध होते हैं। कोर्ट के सामने भी ये कहा है हमने कि चेक में भरी गई राशि हमने नहीं भरी, अगर हम उस कोर्ट के सामने भी ये कह रहे हैं और आज आपके सामने भी कह रहे हैं, उसके मायने आपको निकालने हैं कि उसने जिसने चेक भरी राशि वो किस तरीके का व्यक्ति हो सकता है।